क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांड्या है। पांड्या, कहाँ के रहने वाले पांड्या? मैं महाराष्ट्र सोलापुर का हूँ। बड़े महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से, बाकी इधर ही बहुत साल से रह रहे हैं बड़े भाई। अच्छा, महाराष्ट्र से आते हैं और ये पांड्या भाई है, ये देखो ये भीख नहीं मांगता। और इस उम्र में दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो चोरी चकारी करते हैं, लोगों की जेब काटते हैं। यहाँ देखो सिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन ये अपनी मेहनत करता है। ये कितने पैसे का है आपका? एक ये छोटा वाला 150 का पियर है, वैसे 100 का पियर दे देते हैं। अच्छा। 50 का एक दे देते हैं। अच्छा अच्छा, ये वाला भी 150 बोलते हैं, इसका 100 का लग जाता है। अच्छा। इसका 200 बताते हैं, 150 में देते हैं। तो यहाँ खड़ा हो जाओ, आपके ना इधर से वीडियो अच्छी आएगी, इसको उठा ले। ये देखो भाई है ना, अपना एक मेहनत करके बेचता है अपने, ये और 10-20-50-100-200 रुपए कमाता है, अपने घर पे लाता है। इतनी ठंडी है दिल्ली के अंदर दोस्तों, ऐसे लोगों से सामान खरीदें, हमारी गुजारिश है आपसे। आपको ना इस टाइम पे लाखों लोग हमारे देख रहे हैं, और हमारे एक वीडियो से हो सकता है आपको ना बहुत सारे लोग दर्शक हमारे जानने वाले होते हैं, तो आपसे ना खरीदेंगे सामान। ठीक है, आप पॉपुलर भी हो जाओगे। ठीक है, और पढ़े लिखे कितने हो आप? मैं तो 7वीं तक हूँ। 7वीं तक? 7वीं से नाम कट गया। हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, क्या नाम, महाराष्ट्र से आगे और यहाँ दिल्ली के अंदर ही अपना सामान बेच के अपना घर परिवार चलाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, किसी का गलत तो नहीं करे ना? नहीं नहीं सर, अभी तक किसी को कुछ नहीं। तो ये है ना पांड्या, जो हमारे यहाँ पे हमें मिला कनॉट प्लेस के अंदर, और ये हमें बहुत अच्छा लगा लड़के से मिलके, इससे बातें करके। इसके अलावा आप क्या जानते हो? डांस जानते हो? नहीं, मैं तो वैसे ही इधर ही बाहर ही रहते हैं। अच्छा। ऐसे ही अपना गुजारा कर लेते हैं। अच्छा। रात दिन का ये कर लेते हैं, बाकी खाने पीने का तो खुद ही कर लेता हूँ। एक दादी है, एक छोटी बहन है 15 साल की, उसको संभालता हूँ। इधर ही है, जो अभी कड़ी थी ना इसी में? हाँ इधर ही है, इसी में कही है। एक छोटी बहन है 15 साल की है, उसको हॉस्टल में से निकाला है। अच्छा। अभी निकाला है, मतलब साथ में ही रहते हैं, तीनों फैमिली कही है, बाकी अपना गुजारा खुद ही कर लेता हूँ। हॉस्टल से क्यों निकाला, उसको पढ़ाई क्यों नहीं करवाई? वो खुद ही निकलने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बाहर निकाल लेते हैं, कोई एक आधा रूम ले लेंगे, उसके अंदर रख लेंगे, वही साथ में ही रहेंगे तीन जन। दादी है, दादी को संभालता हूँ। रोड पे ही सोते हो? हाँ, रोड पे ही सोते हैं। अपना 3 दिन काम करते हैं, शुक्रवार शनिवार इतवार, ये 3 दिन काम करते हैं, बाकी दिन घर पे सो जाते हैं। पांड्या भाई अपना महाराष्ट्र से है, वो दिल्ली में आ गए, रोड पे रात गुजारते हैं अपनी, और ये बेच के अपना घर बेचल चलाते हैं। ऐसे लोगों की जरूर मदद किया करो यार, आपके पास कोई कंबल हो, आपका कोई जैकेट हो, या फिर आपका कोई शूज हो, और जैसे कोई इनके जो फैमिली वाले हैं उनको ना डोनेट किया करो। ठीक है, और डायरेक्ट ना मतलब ऐसे लोगों की पूरी मदद किया करो, जितना भी उसके भाई से ना सामान खरीदो, और तो इसको थोड़ी मदद मिल जाएगी, ताकि ना भीख नहीं मांगना चाहता, अपनी मेहनत का खाना चाहता है। ठीक है, हम तो इसको को बाय कर दो, और इस वीडियो को बोल दो कि लाइक और शेयर कर दो। लाइक और शेयर कर दो। हाँ भाई, संजू भाई की बोल दो, संजू भाई की वीडियो, संजू भाई की वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। शेयर कर दो, थैंक यू। अच्छा, तेरे से मैं कुछ खरीदना चाहूँ, ये छोटी सी एक छोटी मदद करना है तेरे, है ना? ये ले, और ये भी अपनी रख दो। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, बाय करो। बाय बाय।